अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ मेरे जितने भी दोस्त अहबाब हैं भाई वीडियो देख रहे हैं सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैंने चिंकी को अपने सारे जितने भी मोर टर्कीज़ और असील है इनमें मैंने इन्हें इसे खोला हुआ है, और खोलने की असल वजह यही है कि ये ऐसा सब मैं सिखा रहा हूँ टेम, ताकि अपने जो इसके साथ बर्ड्स हैं जो इस हवेली में रहते हैं उनके साथ ये टेम हो जाए। ठीक है, तो अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ, हालांकि शुरू में इसने कोई नुकसान नहीं पहुँचा अभी तक, लेकिन ये है कि जिन भाई इसलिए थी उन्होंने बोला कि आपने इसे अपनी निगरानी में अपने परिंदों के दरमियान में खोलना करना, अदरवाइज ये है कि कोई पता नहीं जानवर है नुकसान ना पहुँचा जिसका दिल करता खेलने कूदने को। देखा जैसे अब उस पी के साथ लगी हुई है, तो अब वो बैठा हुआ था उसने इसने दूसरी साइड पर ले गई है। ठीक है, कहती है कि जहाँ से चले जाओ, तो इसी तरह अब देखा जैसे ही इसने मुझसे किसी की आवाज़ आनी है इसने उसके पीछे भागना शुरू कर देना। अब यहाँ से इसकी आवाज़ आ रही है, देना यही वजह है कि इसे मैं अपनी निगरानी में इसे ना ऐसा ऐसा मैं इसे खोल रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे घूमे फिरे और अपने बर्ड्स के साथ मानूस हो जाए। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बात बताई थी कि जब से ये चकोर आई है किधर गई है, ये एक ये घूम रही है, ठीक है, और दो ये देखिए घूम रही है, तो ये माशाल्लाह से बिल्कुल एक्टिव है। यहाँ पे मतलब कि टेम हो चुकी हैं, इन्हें अपनी जगह का पता चल चुका हुआ है। ठीक है, तो ये मतलब गुड हो गया। अब ये देखें दो ये घूम रही हैं, तीसरी वो घूमी हुई। ठीक है, ये देखें तो ये तो अच्छी बात हो गई है ना, देखे बिल्कुल ही एक्टिव है। इसके बने पर काटे नहीं थे, थोड़े थोड़े कटे हुए थे, वो भाई नहीं काटे थे, तो अभी यानी कि अभी इसका मसला नहीं है, अभी ये बड़े इजी पुरसकून हो गए यहाँ पे ये घूम रहे हैं, तो ये भी अच्छी बात होगी। अभी अभी दोस्तों मैं इसकी तारीफ कर रहा था और ये देखें ये खराब करना शुरू कर दिया इसने। ठीक है, यहाँ से निकलो भाई, चलो चलो यहाँ से निकलो, निकलो 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 निकलो, हाँ ऐसे निकलो। ठीक है, यहाँ से ख़राब कर दिया है, इसका भी पक्का जुगाड़ करना है, ये तो भी एम ही किया हुआ है। ठीक है, इसका भी हम पक्का करेंगे। और अभी दोस्तों मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि यहाँ से ये देखें मिट्टी निकली हुई है, ये देखें। ठीक है, अब यहाँ पे अंदर रैबिट तो कोई नहीं, लेकिन ये मिट्टी निकली हुई है ना, ये अंदर से निकली हुई है। अब वाइट वाली जो फीमेल है दोस्तों वो यहाँ पर वो बड़ी कमज़ोर हुई है। ठीक है, बकौल उम्र के, ठीक है, उसने बोला कि इसने शायद बेबीज दिए हुए हैं अंदर, ये तो इसने जो मट्टी निकाली है ना ये वजह हो सकती है। ठीक है, कि इसने मतलब के बच्चे वगैरह दिए हैं, जो उम्र का नाम उम्र भी आ गया। ठीक है, वो देखें तो उसके हाल में थोड़ी है, और वो भी हम बताएं कि हम करने क्या लगे हैं। तो पहले तो मैं बात कर लूँ कि इसका, चले भी देखते हैं, वेट करते हैं, अगर निकल आए बेबीज तो अच्छी बात है, और अगर ना निकले तो फिर भी अच्छी बात है, आप क्या कह सकते हैं। अच्छा दोस्तों, अभी मैंने आपको बात करनी थी कि ये देखें कि उम्र आ गया और ये तोड़ने लगे हैं, हम सफाई मैंने की है इसकी, ये देखे सारी। तो अब काम ये करना कि यहाँ पे बनाने लगे हैं कलोनी, और कलोनी किस चीज़ की बनाने लगे हैं ये आपके लिए ये समझ लें कि आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप किस चीज़ की बनाने लगे हैं। और ये बहुत जल्द बन जाएगी, ये नहीं कि जिसना इनका लारा लगाया ये भी आज बने कल, लेकिन ये हम आज कल में ये फिनिश करेंगे। ठीक है, तो इसका भी बहुत जल्द हम बना के इसको फिनिश करने वाले हैं। और ये बनेगी किस चीज़ की वो आपने बताना है, सारा फ्रेम हमने ये तोड़ देना, फ्रंट ये सारा हम तोड़ देंगे। तो ये हम बताते हैं जो उम्र, एक मिनट एक चीज बताता हूँ, ये देखना। और हमें टाइम होते नहीं है, हाँ चलो एक ही निकाले। ठीक है, यहाँ से साफ ये देखें, तो ये सारा हम उतार देंगे ये वाला फ्रेम, तो इसके आगे जाली लगेगी, ऊपर छत डलेगा। तो ये आपने मुझे कमरे बारे में जरूर बताना कि इतना मतलब ये बड़ी कॉलोनी यहाँ से इसकी हम क्यों बनाने लगे हैं और किस जानवर के बनाने लगे हैं। यहाँ पे एक स्पेशल जानवर आएगा जो हमारी हवेली में नहीं, हमारे मिनी जू में ये वो वाला जानवर है ही नहीं। ठीक है, तो आपने मुझे कमरे बारे में ज़रूर बताना कि ऐसा कौन सा जानवर है जो हम यहाँ पर लेकर आ रहे हैं और उसे हम शिफ्ट करेंगे। दोस्तों अभी हमने कितना काम कर लिया कि यहाँ से दीवार जो गिरा दी है, अभी उम्र गया डेरे पर, वो अपनी भैंसों को मतलब थोड़ा पानी वगैरह डाल लें। ठीक है, तो अभी हम ये काम करते हैं, सफाई करते हैं, यहाँ से अंदर सफाई करनी है, फीता लेकर आना है, यहाँ पे नाप लेना कि कितना होगा, और यहाँ से हम थोड़े से दो दो या तीन तीन बार स्टेप ऊपर दीवार लगाएंगे, छत डलेगा, सामने फ्रेम लगेगा, और नीचे जो परिंदे लाने हैं वो हम छोड़ देंगे अंदर। ठीक है, बस जल्दी से वेट है मुझे इस कॉलोनी का कि ये जल्दी से बने। एक वो कहते हैं कि ये मेरा हाफ था कि यहाँ पे प्यारा लगेगा, यहाँ से जैसे बना यहाँ पे एंट्री मारे और ये सुथरी कॉलोनी ऐसे साफ हो। ये जो गंद भी डला हुआ था ये भी मतलब गंद डला हुआ है, तभी ये है कि ये साफ हो गई है, अब इतना प्यारा लगेगा ये। दोस्तों अभी हम लेकर आए हैं, ठीक है, हमें वो दूसरा मिला कोई नहीं, यही मिला गुजारे के लिए। तो अभी हम यहाँ पे हमने नाप लेना कि कितनी यहाँ से चढ़ाई होगी, लंबाई सारी, ठीक है, ये देखना है काम। और दूसरा वो उम्र, उम्र इधर ही फिर हो जाएगा रेंज, चलो ठीक है, वहाँ से हमने रेता इकट्ठा कर लिया,
और सीमेंट भी पड़ा हुआ है, तो यहाँ से हम उम्र ही मिला है 12 इंच का फुट हम देख लेने। ठीक है अदियो मैं पकड़ना तुझे उसको करो। ए मीटर नहीं होना? नहीं नहीं 3 फुट होना है ना। हाँ लेकिन इतना ही है ना, देख तो सही कितना है, देख तो सही ना, आओ देखिए ना। नहीं हो जाएगा, एक मिनट ए सीधा करो ना, सही रखो। अच्छा 12 24 36 3 फुट 36 36 या बनता है 3.5 फुट। हाँ 3.5 फुट है, ठीक है 3.5 फुट। अच्छा हम ऊपर वार लाने, ठीक है फिर ऐसा लंबाई भी नाप लाएंगे कितना है। हाँ लेकिन 3.5 फुट है, ठीक है ऐप नु छील लेना है, ऐप नु छील लेना है, ऐ सारा छील लेने है ना। हाँ तो ऊपर से कर लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अभी मैं चलता हूँ अंदर और देखते हैं कि सीमेंट पड़ा हुआ है या नहीं। पुराना एक पड़ा हुआ है, वहाँ से हमें जिगाड़ लगाना है। ये पड़ा हुआ है यहाँ से, ये देखें इधर, थोड़ा सा रफ कंडीशन में मैं यहाँ से उठाता हूँ दोनों, क्योंकि ज़्यादा है ये यहाँ से उठा के फिर मैं करता। अभी दोस्तों इतना तो बन गया, ठीक है ये दीवारें वगैरह लगा दी हैं तो और नीचे से वहाँ से मैंने तोड़ दिया हुआ, ठीक है। एक सुरा मैंने किया हमने ये इस जगह पर, दूसरा हमने किया वो जगह पर, एक वहाँ पर यहाँ से रखेंगे, दूसरा यहाँ से बीच में रख के मट्टी डाल के और ऊपर छत डाल जाएगा। तो इंशाल्लाह ये बहुत जल्द बन जाएगा, फ्रेम ये आपके सामने है, ठीक है। इसी आस्ता से वो भी तीनों बना लेंगे ये दोनों, ठीक है, और ये भी बना लेंगे, ठीक है। तो ये काफ़ी प्यारा लग रहा है, अभी तो बना नहीं, जैसे बनेगा तो बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा। तो अभी मैं ये काम कर रहा हूँ कि ये देखें ना आप, इसकी ये कटाई कर रहे हैं, नाप ले ली है और यहाँ से ये मैं कटिंग कर रहा हूँ। तो यहाँ से मैं कटिंग करके फिर मैं आपसे बात करता हूँ। अभी दोस्तों मैं आगे मास्टर के में और मैं आज तो मैंने ये काम करना है कि मैंने इन सब बर्ड को निकालना है। चलो तुम भी आ जाओ, आई थिंक ये तो निकल गया है और इसे भी पकड़ के हम बाहर निकाल देते हैं। आज आज चलो वो निकल गया, ठीक है। और बाकी किधर गया दूसरा? ये देखे ये निकला हुआ, तो बाकी जितने भी हैं ये भी निकालने लगा हूँ क्योंकि बाहर घूमे बस पैर लगाने से लग गए हैं। चलो तुम भी आ जाओ, चलो चलो यहाँ से भागो, चलो निकलो निकलो, ये निकल गया, चलो तुम भी। और इनका भी जो अंडा है ये भी किसी काम का नहीं रहा। चलो आओ आप, आ जाओ नीचे चलो।
ये जी वो भी ठीक है। और इनका जो ये एग है ये वाला ख़राब हो चुका है और इसे हम फेंक देते हैं बाय। वो उधर। तो बाकी हम ये काम करते हैं कि चलो आ जाओ चलो ये आ गया दोस्तों, सबको निकाल दिया हुआ भाई ठीक है। अब ये ना कि आप यहाँ पे खाएं पिएं मज़े से तो ये अच्छी बात है। वो भी देखे निकले हैं, मुर्गी को भी निकाल देते हैं। चलो खाओ दोस्तों, ये थी आज की मेरी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल चेरी और जन्नत को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए मुझे इजाज़त, दुआ में रखिए याद, अल्लाह हाफिज़।